लोग यहाँ से जो है गोल्डन बीच की तरफ निकल रहे हैं स्माइल करते हुए। ये रेलवे स्टेशन का जो बुकिंग काउंटर है उसका एक छोटा सा नमूना देख लो, यात्री जो है अभी भी यहाँ पे बिछा के जो है प्यासे लोगों को यहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है। पूरी में रथ यात्रा कल होने वाली है। घर जाओ, घर बउआ, घर की छोटा सा कमरा हम लोग को मिला है बस सामान रखने के लिए। स्टेशन के बाहर कुछ इस तरीके का नजारा है। यहाँ पे जो है यात्रियों को रुकने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है, पुलिस वाले के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है कि जैसे कि अगर पब्लिक ज़्यादा हो गया तो पूरी स्टेशन पे भी आके वो लोग अपना यहाँ पे जो है बिछा के रुक सकते हैं रात भर। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन का जो बुकिंग काउंटर है उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ पे पेश किया गया है। और बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कूलर एसी वगैरह, अभी भी इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। वैसे तत्काल अभी मैं इस जगह पर रुकने वाला हूँ नहीं, अभी मैं बीच साइड जाऊँगा। क्या कुछ अपडेट है, जगन्नाथ मंदिर के पास जाऊंगा आज, वो सारा अपडेट ही मैं पता करूंगा कि क्या कुछ होने वाला है, वो सारा कुछ आपको अपडेट करता रहूंगा। वैसे लेकिन यहाँ पे सुलभ शौचालय भी बनाया गया है जो कि चालू हालत में है। चलिए ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, स्टेशन के अब गेट के पास चलते हैं। यहाँ से ऑटो टैक्सी जो भी है या फिर पैदल क्या कुछ है जाने के लिए वो सारा कुछ आपको बताते हैं। कितना पैसा लग रहा है यहाँ से जो है जगन्नाथ मंदिर के पास जाने तक का या पूरी बीच साइड जाने तक का, क्या कुछ कॉस्ट पड़ने वाला है वो सारा कुछ अपडेट करेंगे वैसे आप लोगों के लिए। तो देख लो यात्री जो है अभी भी यहाँ पे बिछा के जो है अपना जो है इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से जो है गोल्डन बीच की तरफ निकल रहे हैं, पैदल ही निकल रहे हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है पूरी स्टेशन से। वैसे पूरी बीच भी पड़ता है यहाँ पे, वो 1 किलोमीटर ही पड़ता है, पर गोल्डन बीच हम लोग जा रहे हैं क्योंकि गोल्डन बीच से जगन्नाथ मंदिर जो है पास में ही पड़ता है। तो पैदल ही निकल गए, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह जो है 1-2 किलोमीटर आदमी को पैदल चलना भी चाहिए क्या भाई, है कि नहीं? तो सुबह सुबह जो है हम लोग पैदल ही निकल गए अपने यात्रा पे। क्या कर रहा है भाई? ए बउआ, घर जाओ, बउआ घर जाओ, गलत काम नहीं करो रोड पे, सब गलत बात है। चलो निकलो, चलो भाड़ो है, गलत काम नहीं। ठीक है, तू गौरो है क्या? ठीक है, भाई पहुंच चुके हैं गोल्डन बीच पे। सबसे पहले स्टेशन के बाद आने के बाद मेरा एक ही काम था कि पहले बीच साइड पहुंचे, उसके बाद जो है यहाँ का होटल वगैरह देखे। और अपना भाई जो है आ चुका है स्माइल करते हुए। देखो भाई, इसको मैं जानते होगे तो अपना भाई आ चुका है। भाई कैसा रहा सफर? बहुत तगड़ा है यार भाई, मजेदार जर्नी रहा यार। अब इसके साथ होटल वगैरह हम लोग लेंगे, अब दो लोग वहाँ पे हम लोगों के साथ में और हम लोग 4 लोग हो गए भाई हम। तो चलो भाई होटल वगैरह लेते हैं और चाय वाय हो गया, चाय वाय पी लिया हम लोग, चाय नहीं पिए तो चलो चाय पीते हैं। प्यासे लोगों को यहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है पूरी में, रथ यात्रा कल होने वाली है। बढ़िया, और सामने रथ है और यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोगों को यहाँ पे पानी बांटा जा रहा है यहाँ पे। जाओ जाओ लेके आओ, जाओ चलो मैं भी ले ले रहा हूँ एक। क्या बात है, देखिए पानी मिला, चलिए हम भी ले लेते हैं एक बॉटल। चलिए हम भी विजेता हो गए पानी की, और एक्वा फ्रेश का यहाँ पे पानी बांटा जा रहा है। और देख लीजिए ऐसा कुछ भीड़ भाड़ है यहाँ पे। तो भाई स्टेशन से हम लोग आ गए थे और एक ये छोटा सा कमरा हम लोग को मिला है बस सामान रखने के लिए। और सोने की व्यवस्था जो है उधर हॉल में है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। वैसे व्यवस्था अगर चाहे तो यहाँ पे भी लोग बोले हैं कि यहाँ पे बिछा के आप लोग सो जाइएगा। अब मजबूरी में रूम मिल नहीं रहा था तो इसी जगह जो है एडजस्टमेंट जो है करना पड़ रहा है। कल का पता नहीं, आज के लिए ही बस रूम मैंने बुक करा है, कल का देखा जाएगा क्या है। और बस इस ब्लॉग को आज यहीं तक रखते हैं,
और फिर अगले वीडियो में आपको कहाँ का देखने को मिलेगा, तो वो अगले वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।